हेलो एवरीवन, अब हम कॉरपोरेट अकाउंट का जो सेमेस्टर 4 है उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है चलिए आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आप देखेंगे तो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका आंसर करेंगे हम। चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। और मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज इन्फॉर्म कर दूं कि ये आंसर हमारा ऑथेंटिकेट 100% करेक्ट है, मैंने वेरीफाई कर लिया है, मैं काफी सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। सेकंड थिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक दे दूंगा वीडियो, अदरवाइज आपको अगर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आप देखिए, ये रहा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन है और जो जो चीजें हैं। ऑल्दो ये आंसर जो है वो 100% मैंने वेरीफाई कर लिया है, चेक कर लिया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए देखिए, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, अदरवाइज एप्लीकेशन पे तो नीट एंड क्लीन यही सेम मैंने डाल दिया फॉर्मेट ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ये टैप है ना, आप पूरा वर्ड लिखें, डेप्रिसिएशन ठीक है, और डिक्रीज इन स्टॉक है, ये डिक्रीज इन आपका क्रेडिटर है, ये INC लिखा है, ये इंक्रीज इन डेटर है। ये सारी चीजें मैं बता भी रहा हूँ साथ के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स पेड सारा माइनस करके नेट कैश, कैश की जगह पे ना एक पॉइंट मिसिंग हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा, फ्लो कैश यूज आएगा ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिखना है आपको मेरा मार्कर, तो कैश यूज आएगा, आप बस इतना ध्यान रखिएगा, कैश यूज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सारी चीजें नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा होगा होपफुली आपको। और आगे आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मोर्टगेज लोन जो कि क्वेश्चन में भी गिवन था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है मोर्टगेज लोन, ये रहा हमारा, इसी को लिया है मैंने यहाँ पे कि मोर्टगेज लोन का क्या रहेगा। और इसके साथ साथ ना देखा जाए तो थोड़े बहुत मुझे क्वेश्चन के अंदर जो था मैंने वेरीफाई कर लिया है, डोंट वरी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ना आप तो कुछ टोटलिंग का इधर उधर है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके सारे टोटलिंग करके, क्योंकि देखें यहाँ पे ना एसेट साइड का टोटल ही नहीं, यार बताओ बच्चा कैसे करेगा, कंफ्यूज कर हो जाएगा। एक तो ड्यू के अंदर इतने सारे स्टाफ हैं, उस पे से भी 2 क्वेश्चन दिए हैं आपने बच्चों को और वो भी क्वेश्चन सिंपल बना रहे हो और उस पे से भी गलत है, तो ये थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन है, बाकी देखिए हमें तो आंसर देने से मतलब है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पूरा बना दिया है ठीक है। तो नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी और क्लोजिंग बैलेंस, इसके साथ साथ देखिए ये सारे वर्किंग नोट का पार्ट, ये जितने भी कर रहा हूँ ना मैं, ये सारा का सारा वर्किंग नोट है। और आ जाइए फिर से देखिए, आप आराम से देख के करिए, पॉज करके कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है और डेबिट क्रेडिट लिखा है, सारी चीजें लिखी है इसमें, टैक्स पेड प्रोविजन सारी चीजें हैं और इसके अंदर कोई एरर नहीं है, मैंने 100% चेक कर लिया है। तो होपफुली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। हम नेक्स्ट जो है आपको, मैंने 2 ही सॉल्यूशन डालने थे, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाल दिया, कॉर्पोरेट का भी कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 3 दो, 2 दो, 4 दो, तो डेफिनेटली मैं आप सभी से बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर जो 3, 4, 2 जो भी डिमांड कर रहे हो, मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं बना दूंगा, बट आपने तो 2 ही करने हैं तो 2 कर सकते हैं ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग सकता है तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कोई फोर्सफुली नहीं है कि आप ये करिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। और PDF के लिए एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।